चैत्र नवरात्रि महापर्व आज से आरंभ हुआ है। नवरात्रि में कोरोना वायरस को लेकर उमरिया के बिरसापुर पाली में असर भी देखा जा रहा है। देश प्रदेश में विख्यात सुप्रसिद्ध नगर के माता मंदिर यानी विरासनी मंदिर में लॉकडाउन होने के बाद श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बाहर से उन्होंने पूजन की है, आराधना की है, अपनी आस्था प्रकट की है। मंदिर में घट स्थापना व कलश स्थापना तहसीलदार ने की। प्रशासन व मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा सभी मंदिरों के गेट बंद कर दिए गए हैं, ताला लगा दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी पूजा करने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती के साथ यहां पर कार्रवाई की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि माता विरासनी मंदिर में प्रत्येक नवरात्रि को फेसबुक लाइव प्रसारण किया जा रहा था, जिससे कई लोग घरों में ही दर्शन कर पा रहे थे। इसकी व्यवस्था इस बार नहीं की गई। इस संबंध में लोगों ने प्रशासन व प्रबंधन समिति से व्यवस्था की मांग की है। आपको हम बता दें कि मंदिर में मीडिया को भी कवरेज से दूर रखा गया है। पूरी तरह से शासन प्रशासन के निर्देशों का अधिकांशतः पालन हो रहा है और क्योंकि इस बीच में नवरात्रि का महापर्व जो उस नगर की पहचान है वो भी पड़ रहा है, लेकिन शासन के और प्रशासन के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार कल रात्र 12 बजे से जो लॉकडाउन घोषित किया गया है उसका प्रभाव नवरात्रि पर्व पर भी देखने को मिल रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा भी जो संचालन समिति है उनके माध्यम से मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं, केवल बाहर से दर्शन करने की सुविधा दर्शनार्थियों को उपलब्ध है और आज प्रशासन समिति द्वारा घट स्थापना करके नवरात्रि पर्व का शुभारम्भ किया गया है। साथ ही आजीवन ज्योति कलश जो बाहर से श्रद्धालुओं ने आजीवन ज्योति कलश जलाए हैं, केवल उनका प्रज्वलन होगा। जवारे और यात्री कलशों की यात्रियों के द्वारा जो जवारे और ज्योति कलश बोए जाते थे वो इस बार प्रतिबंधित हैं और सबसे अपेक्षा की गई है कि वो अपने अपने घरों में रहकर माता की पूजा करें। रामनवमी में मुख्य महत्व हमारे शहर में माता विरासनी के मंदिर का रहता है। आज काफ़ी दर्शनार्थी बाहर से फ़ोन कर करके इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। मैं विरासनी माता मंदिर प्रबंध समिति से अपील करूंगा कि माता विरासनी की जो आरती जब अंदर पूजा गृह में जो हो रही है उसका लाइव प्रसारण की व्यवस्था, क्योंकि आज फेसबुक है, व्हाट्सअप है, सब में ये व्यवस्थाएं हैं, तो उसकी जो आरती है उसका भी लाइव प्रसारण की व्यवस्था प्रबंधक समिति करे, जिससे कि दूर दूर से हमारे दर्शनार्थी जो नहीं आ पा रहे हैं इस कोरोना बीमारी के कारण वो घर बैठे माता विरासनी की आरती का दर्शन कर सके एवं पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। कोरोना वायरस महामारी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी विशेष निर्देश किए गए हैं। उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वहीं यहां शहर में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर सके उसकी जाँच भी की जा रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। आज नवरात्र का पहला दिन है जहाँ देश और विदेश में विख्यात माता विरासनी का मंदिर अपने पाली नगर में स्थित है। यहाँ सुबह से पूजा अर्चना के लिए लोग आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। और मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा यहाँ दोनों तरफ के गेट बंद करा दिए गए, जिससे लोग बाहर से भी दर्शन करके जा रहे हैं। आज यहाँ माता विरासनी मंदिर की घट स्थापना तहसीलदार के द्वारा की गई, जिसमें तहसीलदार यहाँ पहुँचे। हर वर्ष यहाँ मंदिर प्रबंध समिति के जो संरक्षक यानी पदेन जो जिला कलेक्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता था, लेकिन इस बार उनके द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण यहाँ तहसीलदार के द्वारा माँ विरासनी मंदिर में घट स्थापना की गई और उसके साथ ही आजीवन ज्योति कलश आदि की स्थापना की गई है। और यहाँ मंदिर में अन्य व्यवस्थाएं भी उनके द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी बात सामने आ रही है कि यहाँ मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा कुछ व्यवस्थाओं पर सुधार किया जाना आवश्यक है। चूँकि शहरवासियों का कहना है कि हर वर्ष यहाँ लाइव प्रसारण किया जाता था जो फेसबुक के माध्यम किया जाना था, तो ये व्यवस्थाएँ भी उनको बनानी चाहिए थी, जिसको लेकर के हमने तहसीलदार MP विराट से बात करनी चाहिए, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने ये कह दिया कि हम यह व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि यह व्यवस्था कहाँ तक होती है, क्योंकि